अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे तो किया करो यार, लाइफ को एंजॉय किया करो। लाइफ का कोई पता नहीं है, लाइफ छोटी है, बड़ी है, निक्की है, सोनी है, ख़राब है, जो भी है, लाइफ लाइफ होती है। और आपकी लाइफ जो है वो किसी और के पास नहीं है उस तरह की लाइफ। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी, आपके पास सारी चीज़ें, वो किसी और के पास नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने आपको सारी चीज़ें दी हैं, तो उस सारी सिचुएशन में रहते हुए आपको यू हैव टू इंजॉय योर लाइफ। और वेलकम टू माई अनदर व्लॉग, सॉरी तो मैं भूल गया था। और आज हम जा रहे हैं गाड़ी बनवाने के लिए। रिक्शे वाले ने गरीबों को बंदा क्या कहे, एक तो गरीब होते हैं ऊपर से बदतमीज़ होते हैं, फिर बात मानते भी नहीं है, ख्याल करें बंदा तले ना मुझे, फिर बात भी नहीं मानते। अच्छा मैं खुद ड्राइव नहीं कर रहा क्योंकि मखदूम आकाश साहब ड्राइव कर रहे हैं, मुझे चलानी आती भी नहीं है। अच्छा जी सॉरी नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, अभी नहीं सुना होगा ना। तो रिक्शे वाले ने मुझे ठोक दी थी, एक तो वो बनवानी है, ऊपर से सर्दी की शिद्दत का आपको अंदाजा होगा, हीटर बनवाना है इसका, और एक इसका शीशा जो है वो ऊपर हो जाता है और फिर नीचे नहीं होता, सॉरी नीचे हो जाता है फिर ऊपर नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है जनाब मखदूम आकाश साहब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फारूक भाई लाइफ का बता रहे थे, जिंदगी की मिसाल दूंगा, जिंदगी को ना आइसक्रीम की तरह समझे और तब तक इंजॉय करें जब तक एक आइसक्रीम जिस तरह खत्म नहीं होती ना, हम उसे चूसते चूपते रहते हैं। अच्छा आप इसके होंठ भी खराब हुए हैं चूस चूस के, चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको बता दे। इसकी हमने दवाई भी लेनी है क्योंकि पता नहीं इसने क्या किया है, पता नहीं क्या किया है। बर कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जिसकी वजह से मैदा जो है वो हीटअप हो गया और इसके होंठों से वो गर्मी निकलना शुरू हो गई है। गर्मी। अच्छा हुआ ये है कि हमने सलमान को भी उठाना था लेकिन ये हो गया है कि हम उसके दूसरे घर जा खड़े हैं। हम अमीर हैं, जो दो दो तीन तीन घर गिदड़ा जगाया। गालियों को इग्नोर करें, हम लोग जा रहे हैं सलमान को उठाने के लिए उसके दूसरे घर, हमें उसके और दूसरे घर दूसरे घर गए खड़े थे लेकिन वो पहले घर में है। सामने घर जा रहे हैं, पे के घर जा रहे हैं, अब ये बता दो ना व्यूअर्स को, पे के घर जा रहे हैं। यार उसकी तरह व्लॉगिंग किया करे ना वो जो सराय की मुंडा व्यूअर्स व्यूअर्स। ओके बाय। अब तो कॉपीराइट नहीं आएगा, अब तो नहीं आएगा। हम इंतजार कर रहे हैं सलमान का, जैसे सलमान साहब आती हैं और फिर हम जाएंगे। ये बच्चा जा रहा है जनाब पढ़ने के लिए, मुंह लटका के हम आ जाओ। अच्छा यार फारूक भाई, हाँ जी बात बताऊँ आपको? बताओ। यूनिवर्सिटी लाइफ वो जो कहते थे ना यार, आर्ट कर लो मजे हैं और फिर इंटरमीडिएट कर लो मजे हैं, कसम से वो बात सच है। कहीं कहीं पे वो बंदा उस पे गुस्सा आता है कि नहीं यार, जिंदगी यूनिवर्सिटी में आके सुकून आ जाता है ना, बड़ा सुकून आ जाता है। मेरे होंठों में जूम नहीं करना, जूम नहीं कर रहा, कहाँ सुकून आ जाता है यार, चिल सीन होता है। कॉलेज एक बच्चों वाली लाइफ से बंदा निकल आता है, यूनिवर्सिटी में आके जिसने होना होता है मैच्योर हो जाता है। यार देखो मैच्योर की बात नहीं, असल चीज होती है जिम्मेदारियां। यूनिवर्सिटी में आके आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आपको लगता है कि यार अब मैंने कुछ करना है, अब फिर सोच पड़ जाती है, फैमिली का ख्याल आता है, अपना ख्याल आता है, फ्यूचर का वो टेंशन पड़ी रहती है, फिर आपने उसी लाइफ में सुधरना होता है, उसी में खराब होना होता है। बिल्कुल ऐसे ही, फिर आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ता है। स्कूल कॉलेज का ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ एंजॉयमेंट, टेंशन नहीं होता। असल टेंशन ही पढ़ाई की होती है, टेंशन सबसे बड़ी यही होती है। मामू आ गए, मामू आ गए। आउटफिटर है, मामू का आउटफिटर लगा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक। मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए जी, मैं पीछे नहीं बैठता। तेरी उम्र है ये हरकत करण दी। अस्सलाम वालेकुम मामू। मेरा मामू आओ से बताएं ना व्यूअर्स को, बताएं कि कौन है ये मेरे यार। हर चीज वीडियो नहीं बनाते यार, ओए होंठ खराब है, होंठ में नहीं की हमने, होंठ में नहीं की। अस्सलाम वालेकुम।
की हाले ठीक हो? ये सलमान भाई आ चुके हैं और सलमान भाई का इतना भाईजान हर बंदे को पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट हिम बिकॉज ही इज अ फेमस टिकटॉकर वही बात कर दी ना टट्टी वाली। अच्छा ये जी नवाबी दौर का महल है दरबार महल, और दरबार महल के बैक साइड से हम जा रहे हैं और आकाश साहब गाड़ी को पट्टी जा रहे हैं खुदा का वास्ते यार। ओ हेलो ओ भाई होले होले क्या हो ठीक है क्या जल्दी है भेंडा यार को समझाओ यार मेरा खुद हां मान लेते हेलो यार देखो ना 20 पे गाड़ी आ रही है 120 पे जा रही है ओए ओए ना कर यार भाई हले चला यार क्या दे रहे बीमा करवाई बदे वे मैंने कहा सिर्फ मैं मेरा बीमा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे करवाया उन्होंने बीमा करवाया हमने नहीं करवाया खुदा के वास्ते मेहरबानी करो हमें बख्श दो प्लीज। आगे गाड़ी बनना शुरू हो गई है और यहाँ पे मैं जूनियर भी मिल गया जूनियर भी अपनी गाड़ी ठीक करवाने आया हूँ। पिशावर मार्केट में आया हूँ मैं। ये गाड़ी आप समझ रहे होंगे कितने की है ये बहुत सस्ती है ये सिर्फ 1.5 लाख में मिलेगी आपको तो यहाँ पे GLI पाकिस्तान में आपको ये कितने की मिलती है ये 20-25 लाख यहाँ पे आपको 3 लाख की मिलेगी क्या बात है क्या और ये डाला कौन सा डाला ये रक्षा रक्षा ये रक्षा ये सिटी दिया इसके सिर्फ टायर वगैरह 35,000 सिटी 70,000 की सिटी सिर्फ 70,000 की बस इधर से आओ यार दूर से लो ना इधर से आओ इधर से एक मिनट ये चीज दिखा के आओ हाँ इधर आओ नंबर प्लेट आपने चेक कर ली है ये गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से इम्पोर्ट कराई है ये सिर्फ मैं दे दूंगा 10 या 12 हज़ार में पक्की बात है मेरी जान ये पाकिस्तान नहीं है यहाँ गाड़ियों के रेट नहीं है हाँ यहाँ पे मोहब्बत के लाले पड़े हुए हैं क्या लोगों को आटा नहीं मिल रहा खाने के लाले पड़े हुए हैं गाड़ियाँ कौन लेगा हाँ तो पाकिस्तान थोड़ी है ये जापान में आए हुए आप सॉरी जापान में आए हुए ये खुद रिक्शे में अच्छा मैं बोल रहा था हम जापान में आए हुए टिकटॉक एक बड़ा कहीं भी गड्डी दे नाल बांधते ना ये भाई जो है जबरदस्ती रबड़ लगाना चाह रहे हैं मौला जट पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फिल्म है बिल्कुल पहले नंबर पे आ भी मेरी मशहूर आती है
ये जी बन चुकी है अब गाड़ी और ये अभी बिलिंग का मौका आ चुका है। बिलिंग वाला क्या सीन है भैया? 3300 का ऑयल है, 500 क्या है, 500 का हीटर जो चालू किया, 500 का हीटर चालू, 800 ट्यूनिंग के लेबर है, 100 रुपए का पेट्रोल, कोई सटूडेंट पैकेज ला रहा था कूसा जी ऑयल भी चेंज हो गया, शीशे भी बन गए और डिग्गी भी सेट हो गई और ट्यूनिंग भी हो गई, टोटल तकरीबन सारे काम हो चुके, हीटर भी चालू हो गया। काश काश इंसानों की भी ट्यूनिंग होती, ये बड़ा मैं होती है इंसानों की शादी बात थी, गाड़ियाँ रखना आसान बात नहीं है शापरो, वही टिकटॉक वाली बात कर रहे हैं, ये जुमला किसका है भाई, छोड़ो ये आपने कैसे करना है। और बाकी यहीं पे आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह नासिर, इसकी तबीयत खराब हो रही है, बाय।